अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जंजानी टीवी। मैं हूँ सैयद मुसव्वर अली जंजानी। माह रमज़ान का यह हफ़्ता जो कि 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक होगा, 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक अगर देखा जाए तो इस वीक में हमारे पास जो इस्लामी दौर के बड़ तवारीख आएंगे, उन तवारीख में पहले तो नज़ूल तौरात का दिन है, उसके बाद वफात है हज़रत फ़ातिमा बिनत असद का। इसके बाद इस हफ़्ते की इख्तितामी जो दिन होगा जो कि 2 अप्रैल का दिन है, उस दिन विसाल है बीबी खदीजतुल कुबरा अलैहिस्सलाम का, और इनका विसाल है 10 हिजरी का। तो इस एतबार से ये पूरा ही वीक, क्योंकि रमज़ान के पहले अशरा में है, तो इस एतबार से ये मेन इवेंट्स होंगे जो कि हमें माह रमज़ान में मिलेंगे, क्योंकि अगले हफ्ते में हम लोग रमज़ान के अगले अशरा में दाखिल हो चुके होंगे जो कि दूसरा अशरा होगा। उसके अतबार से जो चीज़ें आएंगी तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे। इस वीक में प्लानिटरी एस्पेक्ट्स के मुताबिक देखा जाए तो ये हफ़्ता बहुत अहमियत और इम्पॉर्टेंट का हामिल है, क्योंकि इस हफ़्ते में बेसिकली चांद की पोजिशन बड़ी खूबसूरत होने जा रही है, बहुत खूबसूरत प्लानिटरी एस्पेक्ट्स बनने जा रही हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि इस हफ्ते के बाद जो अगला हफ़्ता होगा और उसके बाद जो अगले दिन होंगे वो ग्रहण के असरात के ज़ेर असर होंगे, क्योंकि ग्रहण हो रहा है मुकम्मल शमसी ग्रहण, साल का जो पहला मुकम्मल शमसी ग्रहण है वो है 20 अप्रैल को। तो ग्रहण के पहले 15 दिन और बाद के 15 दिन असरात ग्रहण के रहते हैं, तो ये एक ऐसा हफ़्ता होगा जिसमें आप लोग अपने आगे आने वाले पूरे ही महीने को प्लान आउट कर सकेंगे, अगले आने वाले कई एक हफ़्तों को आप लोग प्लान आउट कर सकेंगे, चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए प्लानिंग्स होंगी। और इसके साथ साथ जहाँ पे कुछ चीज़ें एहतियात वाली हैं वहाँ पे आप लोग एहतियात के साथ साथ रूहानी तौर के ऊपर सदक़ात की रेमेडी या कुरानी वज़ाइफ लाजमी तौर के ऊपर अदा करें, ताकि रमज़ान की इस खूबसूरत घड़ियों में आप लोग इस हफ़्ते को भी खूबसूरती से गुजारें, अगले आने वाले हफ़्तों को भी बेहतर तौर के ऊपर प्लान आउट करें, और अपनी इबादत के साथ साथ आप लोग जो अपने काम की रूटीन है उसको मैनेज करते हुए मसाइल से महफूज बना सकें। तो इस पूरे वीक में अगर हम लोग देखते हैं तो बढ़ते हैं पहला ज़ोडिक साइन एरीज बुर्ज हमल की जानिब। एरीज़ वालों के लिए पूरा हफ़्ता अगर हम लोग एनालाइज़ करें तो इस पूरे वीक में एरीज़ वालों का ये पूरा ही हफ़्ता आमदन के अतबार से फाइनेंशली तौर के ऊपर खूबसूरत होगा, चीज़ें आपकी जो बिलावज आप मसाइल प्रॉब्लम्स का शिकार थी वो बेहतर होंगी, आप लोग ख़ुद इतमादी की तरफ आते हुए नज़र आएंगे, ख़ुद से अपनी चीज़ों में बेहतरी और बहाली लेके आने की तरफ रागिब होंगे, आपके सोच में जो बिलावजह के वहम फसफसे थे, रिश्तों में प्रॉब्लम्स थी मसाइल थी वो दूर होती हुई नज़र आएंगे, फैमिली मेम्बर्स का तावन साथ रहता हुआ नज़र आएगा, आप लोगों के ऐसे फैसले जो कि ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी या सवारी से हैं उनमें खूबसूरती आ सकेगी, रोमानवी ज़िंदगी में जो हसासियत चल रही थी उस हसासियत को आप लोग बड़ी खूबसूरती से कम करने की तरफ कोशा भी होंगे और कामयाब भी होंगे। इसके अलावा हासदीन की बदनज़री से महफूज रहते हुए नज़र आएंगे, आप लोगों की सेहत याबी हो सकेगी, सफ़र जिस मकसद के लिए कर रहे थे उसमें बेहतरी आती हुई नज़र आती है, अजीज़ व अकारिब की तरफ से फेवर्स का मिल जाना, अज़दवाजी तौर के ऊपर रिश्तों में खूबसूरती का आ जाना, और शराकत की बुनियाद के ऊपर जो चीज़ें चल रही थी और उनमें जो बिला वजह की प्रॉब्लम्स थी उनका भी सलूशन इंशाल्लाह आप लोगों को इस हफ़्ते में मिल सकेगा। ज़ाती करियर बिजनेस सोशली तौर के ऊपर ग्रोथ नज़र आता है, और करियर में कुछ नए मौके जो आप लोग इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे उसमें भी आप लोगों को कामयाबी इंशाल्लाह मिल पाएगी। इस पूरे हफ़्ते में ओवरऑल अपने मामलात ज़िंदगी को मज़ीद और ज़्यादा पॉजिटिव बनाने के लिए रूहानी बरकत के तौर के ऊपर आप लोग जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा जुमे वाले दिन हसबे तौफीक किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन टॉरस बुर्ज सौर। बुर्ज सौर आप लोगों का ये पूरा हफ़्ता हम लोग एनालाइज़ करें तो इस पूरे ही वीक में आप लोगों के सोच में जो बिला वजह की हसासियत थी वहम वसवसे थे, आप लोग अपनी चीज़ों में इतना ज़्यादा श्योर नहीं थे, आप लोगों को गारंटी नहीं थी कि चीज़ें आपके हक में बेहतर या फेवरेबल हो जाएंगी, इस हफ़्ते में चीज़ें कदरे आप लोगों के लिए खुशबख्त होंगी, आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ मुखलिस लोगों की शमूलियत भी होगी और जो पहले से मौजूद हैं उनकी तरफ से भी फेवर्स मिल जाएंगे, हासदीन की नज़रें बद आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कम होती हुई नज़र आती है। इस पूरे वीक में आप लोगों की ग्रोथ नज़र आती है करियर के अतबार से, ख्वाहिशात का पूरा होना, और आपको अपने ऐसे सिबलिंग्स जो कि आपसे एज में बड़े हैं उनकी तरफ से फेवर्स का मिल जाना,
आप लोगों के ऐसे मामला थे ज़िंदगी जो कि करियर कारोबार से जुड़े हैं, उनमें इज्जत का बढ़ावा होना, नए कामों में कहीं ना कहीं पे तकवीत मिलना, आसानियाँ आ जाना, नए एग्रीमेंट्स दरपेश होना, और इसके अलावा शराकत की बुनियाद के ऊपर जो चीज़ें आपकी चल रही थी उसमें फाइनेंशियली तौर के ऊपर फ़वाद का मिलना, अजदवाजी तौर के ऊपर शरीक हद के मशवरों से या उस शख्स के नसीब से आप लोगों को फाइनेंशियली तौर के ऊपर फेवर्स का मिल जाना, खानगी तौर के ऊपर जो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, या फिर ऐसी चीज़ें जो बिला वजह रुकावट का शिकार थी आपकी ज़मीन जायदाद में, सवारी में, वहीकल में, उनमें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह आप लोगों को आसानियाँ देखनी नसीब होंगी। मामलात ज़िंदगी आपके रूहानियत से भरपूर भी होंगे और रोमानवियत से भी भरपूर होंगे। रोमानवी ज़िंदगी में जो बिला वजह की प्रॉब्लम्स थी, मसाइल थी, चीज़ें अनक्लैरिफाई थी, क्लैरिफिकेशंस की तरफ आना शुरू होंगी और औलाद की तरफ से फ़िक्रमंदी का ख़त्म हो जाना भी आप लोगों को ज़हनी सुकून दिलाएगा। इस पूरे हफ्ते में आप लोग काफ़ी हद तक ज़हनी तौर के ऊपर तो पुरसकून हैं, लेकिन फाइनेंशली तौर के ऊपर आप लोगों को थोड़ी सी प्लानिंग्स अपने पास रखनी चाहिए, और इन्हीं मामलों को बेहतर बनाने के लिए रूहानी बरकत के तौर के ऊपर आप लोग जो अपना सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा। मंगल वाले दिन हजब तोफ़ी किसी भी लाल रंग की चीज़ का। नेक्स्ट जॉडिक साइन जमनाए बुर्ज जौजा। बुर्ज जौजा आप लोगों का ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग एनालाइज करें तो आपकी सोचने समझने की सलाहियत तो बेहतर हो रही है, आप लोगों का विजन बेहतर होगा, आप लोग कॉन्फिडेंट होंगे, आप लोगों का करियर कारोबार खुशगवारी नज़र आएगी। इसके अलावा आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक ऐसी चीज़ें जो कि परेशान कन थी आमदन के लिहाज से फाइनेंशली तौर के ऊपर, उनमें बेहतरी आती नज़र आती है। लेकिन ये पूरा हफ्ता आप लोग कुछ नई ख्वाहिशात की तरफ, नई सोचों की तरफ भी रागिब रहेंगे, कुछ नए अहबाब आपकी ज़िंदगी में शामिल होते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ साथ ये पूरा ही वीक आप लोगों के लिए ऐसे मामलात ज़िंदगी जो कि आपके खानगी तौर के ऊपर डिस्टर्ब थे वो सुलझना शुरू होंगे, आप लोगों के सवारी से जुड़े हुए कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे उनमें बेहतरी आ जाएगी, आप लोगों के फैमिली मेम्बर के साथ बिला वजह की कोई रंजिशें थी, गलतफहमियां थी, वो काफ़ी हद तक इंशाल्लाह दूर होना शुरू होंगी। रोमानवी ज़िंदगी में खूबसूरती नज़र आती है, हल्का अहबाब में ग्रोथ आ सकेगी, और इसके साथ साथ आप लोगों का नसीब यावरी करने से रुके हुए कामों में भी बेहतरी बहाली आती हुई नज़र आती है। इसके साथ देखा जाए तो ये पूरा हफ्ता आप लोगों की ज़िंदगी में शराकत की बुनियाद के ऊपर चीज़ें लेके चल रहे हैं, आपके इज़्ज़त और रुतबे में बहाली का सबब बनेगा, आपके करियर में कारोबार में कुछ नए मौके मिलेंगे, कुछ चीज़ों को शुरू करने के लिए आप लोग कुछ नए अहद कर सकते हैं। इस पूरे वीक में देखा जाए तो आप लोगों का खुद एतमादी का लेवल भी इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा, कुछ सफ़र का इरादा बना सकते हैं, और इसके साथ आप लोग दूसरों के साथ जो बिला वजह मसाइल या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे मिल बैठ के चीज़ों को हल करने की भी काफ़ी हद तक बेहतर तरतीब बन सकेगी। इस पूरे हफ्ते में ओवरऑल देखा जाए मामलात ज़िंदगी आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक खुशगवार हैं। इसको मज़ीद और ज़्यादा पॉजिटिव बनाने के लिए रूहानी बरकत के तौर के ऊपर आप लोग जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा। मंगल वाले दिन हजब तोफ़ी किसी भी लाल रंग की चीज़ का। अगले जॉडिक साइन की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट जॉडिक साइन है हमारे पास कैंसर बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान आप लोगों का ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग एनालाइज करें, काफ़ी खुद तमादी के साथ आप लोग इस वीक की इब्तदा करेंगे, आप लोगों की सोच में वसत नज़र आती है, पॉजिटिविटी नज़र आती है। इसके साथ साथ आप लोग काफ़ी हद तक अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जो मेहनत कर रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे, उसमें कामयाब भी नज़र आएंगे। इस पूरे वीक में आप लोग के ऐसे मामलात ज़िंदगी जो कि करियर से जुड़े हैं, कारोबार से जुड़े हैं, उनमें आसानी आ सकेंगी, काफ़ी मुतहर्रिक हैं, एक्टिव हैं मसाइल को हल करने के लिए। बिरूने मुल्क सफ़र या रूहानी सफ़र की ख्वाहिश का पूरा हो जाना भी इस हफ्ते में नज़र आता है। इस पूरे वीक में आप लोगों के ऐसे मामलात ज़िंदगी जो कि कोर्ट कचहरी लिटिगेशन के साथ लिंकअप हैं, उनमें भी कदरे कुछ आसानी का आ जाना और आपकी इज़्ज़त की बहाली होना, दूसरे फरीक के ऊपर आपकी हाकमियत रहना आप लोगों को ज़हनी सुकून दिला सकेगा। इसके साथ देखा जाए तो ये पूरे वीक में आप लोगों की खुद एतमादी को बहाल रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और जब भी सफ़र करें सफ़र से पहले सदका लाजमी दें। इसके साथ साथ पूरे वीक में देखा जाए तो आप लोगों को रोमानवी ज़िंदगी के अतबार से थोड़ी सी हसासियत रहती हुई नज़र आती है, आपको शरीक मोहब्बत के मिजाज को, मेंटल फ्रिक्वेंसी को समझते हुए चीज़ों को लेकर चलने की अशद ज़रूरत है। और अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद के रोज़ शब के ऊपर निगाह रखना भी अशद ज़रूरी होगा।
इस पूरे वीक में अजदवाजी दौर के पर खुशगवारी और शराकत की बुनियाद के पर जो चीज़ें लेके चल रहे हैं उनमें माली वसत आ सकेगी। उस पूरे हफ्ते में ओवरऑल अपने मामलात ज़िंदगी को मज़ीद और ज़्यादा पॉजिटिव बनाने के लिए रूहानी बरकत के तौर के पर आप लोग जो सदका देंगे वह आप लोगों का रहेगा हफ्ते वाले दिन हस्ब तफीक किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का। अगले ज़ोडियक साइन की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट ज़ोडियक साइन है हमारे पास लियो बुर्ज असद। बुर्ज असद आप लोगों का ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग एनालाइज करें तो इस पूरे ही हफ्ते में गैबी तौर के ऊपर माली मदद मिलती हुई नज़र आएगी। आप लोग रुके हुए पैसे तकाजा करने से हासिल कर सकेंगे। आप लोगों की विरासती तौर के ऊपर जो लड़ाई झगड़े हैं परेशानियाँ हैं मसाइल हैं वो सुलझने के करीब होंगी। खानगी तौर के ऊपर उलझनों परेशानियों का हल और फैमिली मेंबर की ख्वाहिशात का पूरा होना आप लोगों के लिए इस पूरे वीक में खानगी खुशहाली का समरा दिलाएगा। ज़हनी तौर के ऊपर कुशादगी नज़र आती है, सोच समझने की सलाहियत बेहतर होती नज़र आएगी। आप लोग दूसरों को जो किसी भी तौर के ऊपर कन्विंस करना चाहते थे उसमें भी चीज़ें काफ़ी हद तक खुशगवार हो सकेंगी और आमदन से जुड़े हुए जो मसाइल परेशानियाँ फेस कर रहे थे उसमें भी आसानी आ सकेगी। इसके साथ साथ देखा जाए तो ये पूरे ही हफ्ते में आपकी मोहब्बत से जुड़ी हुई चीज़ों में हसासियत का ख़त्म होना, शरीक मोहब्बत की तरफ से गलतफहमियों का खात्मा और तकवियत बढ़ने की तरफ इशारा नज़र आता है। इस पूरे वीक में सेहत जिस्मानी में खूबसूरती, आप लोगों को बीमारियों से नजात और इसके अलावा मुलाजमती तौर के ऊपर जो आपके रुझानात चल रहे हैं उनमें कहीं पर जो मसाइल या परेशानियाँ थी उनका भी सलूशन इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेगा। अजदवाजी तौर के ऊपर खुशगवारी हसूल मुराद और इसके साथ शराकत की बुनियाद के ऊपर जो चीज़ें लेकर चल रही हैं और उसमें बिलावजह की प्रॉब्लम चल रही थी या फाइनेंशली तौर के ऊपर रुकावटें थी आपकी शराकत की चीज़ों में उसमें भी आसानी इंशाल्लाह मिल सकेगी। इस पूरे हफ्ते में ओवरऑल अपने मामलात ज़िंदगी को मज़ीद और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए रूहानी बरकत के तौर के ऊपर आप लोग जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा रोज़ाना की बुनियाद पर हस्ब तफीक गंदम या बाजरा। अगले ज़ोडियक साइन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट ज़ोडियक साइन है हमारे पास वर्गो बुर्ज शिमला। बुर्ज शिमला आप लोगों का ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग एनालाइज करें तो इस पूरे ही वीक में आप लोगों को हर तरह के फैसलों से पहले हर तरह के इकदाम से पहले दूसरों से मशावरत लाजमी कर लेनी चाहिए। अपनी चीज़ों को सेकेंड थाट ज़रूर दें। जो भी चीज़ें आप लोग ले कर चल रहे हैं उनको एक दफ़ा रिकन्सल्ट करना लाजम रहेगा। आमदनी से जुड़े हुए मामलात में थोड़ा सा शाहाना मिजाजी से अवॉइड करें और दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करके कर्ज देना या किसी ज़रूरत के लिए कर्ज लेना हर दो कैफियत में आप लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। इसके साथ ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए ऐसे मामलात ज़िंदगी जो कि ज़ाती बिजनेस से लेकर चल रहे हैं या करियर में किसी भी तौर के ऊपर तब्दीली के ख्वाह हैं तो उसमें जल्दबाजी से अवॉइड करें। चीज़ों को सोच समझ के रिकन्सल्ट करके रीथिंक करके फिर फाइनलाइज करें तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा ये बुरा हफ्ता हसूल मुलाजमत के लिए या मुलाजमती मामलात में दरपेश मुश्किलात के खात्मे के लिए काफ़ी हद तक नेक होगा। सेहत जिस्मानी आप लोगों की बेहतर होती हुई नज़र आएगी। खानगी माहौल में जो बिलावजह की परेशानियाँ थी प्रॉब्लम्स थी मसाइल थी उनमें आसानी आ सकेगी। सफ़र का इरादा बनता है तो सफ़र आप लोगों के लिए इज्जत और रुतबे के बढ़ावे का सबब होगा। शराकत की बुनियाद के ऊपर जो चीज़ें लेके चल रहे हैं और उसमें बिलावजह की जो गलतफहमियां थीं उसका खात्मा हो जाना या अजदवाजी तौर के ऊपर जो बिलावजह की कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन चल रही थी उसको बैठ के सॉर्ट करना आपके लिए इस वीक में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस पूरे हफ्ते में ओवरऑल अपने मामलात ज़िंदगी को मज़ीद और ज़्यादा पॉजिटिव बनाने के लिए आप लोग रूहानी बरकत के तौर के ऊपर जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा मंगल वाले दिन हस्ब तफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। अगले ज़ोडियक साइन की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट ज़ोडियक साइन है हमारे पास लिब्रा बुर्ज मेज़ान। बुर्ज मेज़ान आप लोगों का ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग एनालाइज करें इस पूरे वीक में सोच में तख्लीक नज़र आती है, पॉजिटिविटी नज़र आती है। अब अपनी सोच के मेयार से चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। वो कि आपके काफ़ी हद तक कामों में रुकावटें हैं प्रॉब्लम्स हैं करियर में बिलावजह की उलझने हैं दूसरों से शायद वो फेवर्स ना मिल पा रही हो जो वो आपसे हासिल कर चुके हैं आपके तलीम से जुड़े हुए मामलात में बिलावजह की रुकावटें आपके हसूले सफ़र या हसूले वीज़ा के लिए किए गए जितने भी इकदाम हैं उनमें बिलावजह की रुकावटें आप लोगों के अजदवाजी तौर के ऊपर जितने रवाबत हैं उनमें बिलावजह की बहस व तकरार। लेकिन एक चीज़ आपके लिए बहुत पॉजिटिव है और वो ये है कि आपके सोच में अच्छाई का आंसर बहुत हावी है। आप काफ़ी हद तक सोच में मुस्बत पहलू तरतीब रखे हुए नज़र आते हैं और किसी भी तौर के ऊपर अपनी चीज़ों में जो मसाइल हैं रुकावटें हैं परेशानियाँ हैं
उनको हल करने में काफ़ी हद तक एक्टिव होंगे, मुतहर्रिक होंगे, पॉजिटिव रहेंगे। इसके साथ साथ देखा जाए तो ये पूरा ही हफ्ता कोशिश करने से हसूल मुलाजमत के लिए बहुत नेक है। आपकी मुलाजमती जिम्मेदारियों में जो बिला वजह की प्रॉब्लम्स हैं, रुकावटें हैं, वो काफ़ी हद तक हल होती हुई नज़र आएंगी। इजहार मोहब्बत नज़र आता है और आपकी रोमानवी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम चल रही थी उनमें काफ़ी हद तक खूबसूरती आती हुई नज़र आएगी। इसके साथ साथ इस पूरे वीक में ऐसे तमाम अफराद जो कि मुलाजमत के हसूल के लिए कोशा हैं, उनको भी कोशिश करने से हसब मंशा मुलाजमत मिल सकेगी। इस पूरे हफ्ते में ओवरऑल अपने मामलात ज़िंदगी को मज़ीद और ज़्यादा पॉजिटिव बनाने के लिए रूहानी बरकत के तौर के ऊपर आप लोग जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हसब तफीक गंदम या बाजरा। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है हमारे पास स्कॉर्पियो बुर्जक्र। बुर्जक्र आप लोगों का ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग एनालाइज करें, हासदीन की ऑन एंड ऑफ प्रॉब्लम्स आप लोगों को थोड़ा सा जहनी तौर के ऊपर परेशान रख सकती है। फाइनेंशियली तौर के ऊपर कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए रुकावट का शिकार हो सकती हैं। कुछ चीज़ें वक्त के ऊपर मिलने की बजाय थोड़ा सा ताखीर की तरफ जा सकती हैं। तो इस चीज़ को जहनी तौर के ऊपर आप लोगों ने पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर रखना है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों के लिए इस हफ़्ते में काफ़ी खुशगवार है कि नसीब यावरी कर जाने से छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हैं खानगी तौर पर, अजदवाजी तौर पर, रिश्तों के लिहाज से, शराकत की बुनियाद के ऊपर, रोज़मर्रा की रूटीन के अतबार से वो मसाइल प्रॉब्लम्स आप लोगों के हल होना शुरू होंगे। मुलाजमती तौर के ऊपर जो उलझने चल रही थी वो काफ़ी हद तक कदरे सुलझना शुरू होंगे। रोमानवी तौर के ऊपर और औलाद से जुड़ी हुई जो फिक्रमंदियाँ थी वो काफ़ी हद तक सेटल होना शुरू होंगी। आप लोग काफ़ी हद तक जहनी तौर के ऊपर पुरसकून रहना शुरू करेंगे। खानगी तौर के ऊपर आप लोगों को कुशादगी नज़र आएगी। फैमिली मेम्बर का तावन मिल सकता है। यहाँ पर हसूल सवारी की ख्वाहिश पूरी हो जाना, घर की तमीर या तज़ीन आराइश के अतबार से जो आप लोग इकदाम करना चाह रहे थे उसमें कामयाबी का मेल जाना आप लोगों को काफ़ी हद तक इंशाल्लाह जहनी तौर के ऊपर पुरसकून बनाएगा। इसके अलावा इस पूरे हफ्ते में देखा जाए तो ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों के ऐसे मामला ज़िंदगी जो कि बेसिकली करियर से जुड़े हैं, आप लोगों के कारोबार से लिंक्ड अप हैं, उसमें जो भी इकदाम करें, जो भी फैसले करें, दूसरों से एक दफ़ा चीज़ों को शेयर करके फिर फाइनलाइज करना आप लोगों के लिए फ़वाद का हामल है। इस पूरे हफ्ते में ओवरऑल अपने मामला ज़िंदगी को मज़ीद और ज़्यादा पॉजिटिव बनाने के लिए रूहानी बरकत के तौर के ऊपर आप लोग जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा। मंगल वाले दिन हसब तफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन सजिटेरियस बुर्जकॉस। सजिटेरियस आप लोगों के लिए पूरा हफ्ता अगर हम लोग एनालाइज करें तो इस पूरे ही हफ्ते में आप लोगों को काफ़ी हद तक खानगी तौर के ऊपर तो खुशगवारी मिल रही है। सवारी से जुड़े हुए मसाइल आपके हल हो रहे हैं। सफ़र से जुड़ी हुई ख्वाहिशात का पूरा होना भी शामिल है। इवन रूहानी सफ़र की ख्वाहिश भी कोशिश करने से पूरी हो सकती है। शराकत की बुनियाद के ऊपर जो चीज़ें आप लोगों की थोड़ी सी कहीं पर प्रॉब्लम्स का शिकार थी उनमें आसानी आती हुई नज़र आएगी। अजदवाजी तौर के ऊपर जो गलत फहमियाँ चल रही थी उनमें बेहतरी आती हुई नज़र आती है। आप लोगों के काफ़ी हद तक ऐसे मामलात ज़िंदगी जो कि रोमानवी तौर के ऊपर बिला वजह डिस्टर्ब थे उनमें कहीं पर कोशिश करने से हसासियत का ख़त्म होना और कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन ख़त्म हो के चीज़ें दोबारा से बहाल होना शुरू होंगी। आप लोगों के ऐसे मामलात ज़िंदगी जो कि बेसिकली फैमिली मेम्बर्स लिंक्ड अप हैं उनकी तरफ से फेवर्स का मिल जाना या उनके साथ आपके रवाबत बहाल होना जहनी तौर के ऊपर राहत दिलाएंगे। आप लोगों की खुद अतमादी काफ़ी हद तक ग्रो करेगी। आप लोगों के आमदन से जुड़े हुए जितने भी वसाइल हैं वो मज़ीद और ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आते हैं। आपकी माजी की गई कोशिशें रंग लेके आती नज़र आएंगी। लेकिन एक चीज़ आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजाफी तवज्जो की हामिल होगी और वो है आप लोगों का ज़ाती करियर और बिज़नेस जो कि इंडिविजुअली तौर के ऊपर आप लोग खुद से कर रहे हैं। इंडिविजुअली तौर के ऊपर जितना भी काम आप लोग कर रहे हैं उनमें हर तरह के इकदाम, फैसले, मुआहदे, अहद करने से पहले आप लोगों को अच्छी तरह सोच समझ ज़रूर लेना चाहिए। हल्का एहबाब में वसत आती हुई नज़र आती है लेकिन नए शामिल होने वाले अफराद के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुकात की वाबस्तगी या ख्वाहिशात की वाबस्तगी कर लेना आप लोगों के लिए बाद की मायूसी का सबब भी हो सकता है। तो लिहाजा थोड़ा सा एहतियात रखिए। इस पूरे हफ्ते में ओवरऑल अपने मामलात ज़िंदगी को मज़ीद और ज़्यादा पॉजिटिव बनाने के लिए आप लोग रूहानी बरकत के तौर के ऊपर जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा। मंगल वाले दिन हसब तफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है हमारे पास कैप्रिकॉर्न बुर्ज ज्योति। कैप्रिकॉर्न आप लोगों का ये पूरा वीक एनालाइज किया जाए तो ये पूरा ही हफ्ता आप लोग काफ़ी हद तक पुर एतमाद नज़र आते हैं। आप लोग काफ़ी हद तक पॉजिटिव सोच के हामिल नज़र आएंगे। आमदनी से जुड़े हुए मसाइल का हल,
रिश्तों से जुड़ी हुई बिलावजह की गलत फहमियों का सलूशन, सफ़र का इरादा, सफ़र की ख्वाहिश, खानगी तौर के ऊपर खुशगवारी और इसके साथ रोमानवी तौर के ऊपर जितने भी मसाइल परेशानियाँ चल रही थी उनमें भी चीज़ों को आसान बनाने में आप लोगों की जो शमूलियत है वो काफ़ी हद तक सराही जाएगी। फैमिली मेम्बर के साथ आपके रुझानात बेहतर होना खानगी माहौल में खुशगवारी की नवीद लेके आएगा। आपके मुलाजमती दौर के ऊपर जितने रुझानात हैं उनमें हर तरह की जल्दबाजी से रुक जाना और जो भी चीज़ आप लोग फाइनलाइज़ कर रहे हैं या फिर इवन किसी भी आप अपने कोलीग से गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा सा मिजाज की तेज़ी को कम रखना ज़्यादा मुनासिब है। इस पूरे हफ्ते में आप लोगों को ज़दवाजी तौर के ऊपर खूबसूरती नज़र आएगी। इवन मोहब्बत कोशिश करने से शादी के ऊपर मंतहा हो सकती है और आप लोगों के अज़दवाजी तौर के ऊपर जितने भी रुझानात हैं उनमें भी काफ़ी हद तक मुस्बत चीज़ें तरतीब पा सकेंगी। शराकत की बुनियाद के ऊपर जितनी चीज़ें आप लोग लेके चल रहे हैं और उसमें बिला वजह की प्रॉब्लम्स थी उनमें आसानी आ सकेंगी। इसके साथ साथ ये पूरा ही हफ़्ता आप लोगों को थोड़ा सा अपनी तलीम से जुड़े हुए मामलों में इजाफी तवज्जो देने की ज़रूरत है। ऐसी इन्वेस्टमेंट या ऐसे रवाबत जो कि आपके बिरूने मुल्क या एब्रॉड से लिंकअप हैं उनमें भी आप लोगों को थोड़ी सी एहतियात लाजम रखनी चाहिए। इसके साथ साथ आप लोग ये पूरा हफ़्ता अगर हम लोग एनालाइज़ करें तो इस पूरे ही हफ़्ते में आप लोगों की ऐसी ख्वाहिशात जो कि आपके हल्का अहबाब से लिंकअप हैं उसको थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ रखें और आप लोग अपने हल्का अहबाब से लिंकअप जितने भी मामलात हैं उनको क्लैरिफिकेशन की तरफ ले के जाने के बजाय थोड़ा सा तसलसल के साथ पकड़े रखेंगे तो एट द एंड ऑफ द वीक चीज़ें ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर आपके लिए क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। इस पूरे वीक में ओवरऑल अपने मामला ज़िंदगी को मज़ीद और ज़्यादा पॉजिटिव बनाने के लिए आप लोग रूहानी बरकत के तौर के ऊपर जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा मंगल वाले दिन हसब तोफ़ी किसी भी लाल रंग की चीज़ का। नेक्स्ट ज़ोडियक साइन की तरफ बढ़ें तो अगला ज़ोडियक साइन हमारे पास एक्वेरियस बुज़दलव। एक्वेरियंस आप लोगों का ये पूरा वीक एनालाइज़ किया जाए तो ये पूरा ही हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक ज़हनी तौर के ऊपर कुशादगी का हफ़्ता है। आपकी सोच में काफ़ी हद तक मजबूत पहलू तरतीब पाते हुए नजर आएंगे। आप लोग अपनी ज़ात से दूसरों को कहीं ना कहीं पे फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप लोग काफ़ी हद तक अपनी ज़िंदगी में लगाई गई पाबंदियों से आज़ादी हासिल करने की भी कोशिशों में कामयाब होंगे। इसके अलावा आप लोग ऐसे मामला थे ज़िंदगी जो कि रोमानवी तौर के ऊपर डिस्टर्ब थे परेशान कन थे उनमें आसानी आती हुई नज़र आएगी। औलाद से जुड़ी हुई जो बिलावजह की फ़िक्रमंदी थी वो ख़त्म हो जाने से आप लोग काफ़ी हद तक ज़हनी तौर के ऊपर पुरसकून रहेंगे। अखराजात को बेहतर अंदाज में मैनेज करना और आमदन में वसत लेके आना आप लोगों को माशी तौर के ऊपर तंगी और बिलावजह की परेशानी से दूर कर सकेगा। इसके साथ साथ देखा जाए तो ये पूरा ही हफ़्ता आप लोग ऐसे काम जो कि किसी के साथ मिल के कर रहे हैं उनमें माली तौर के ऊपर खुशबख्ती नसीब होगी या फिर शरीक हयात के तावन से या उसकी सोच या उसके नसीब से भी माली तौर के ऊपर खुशबख्ती आप लोग को मिल सकेंगी। इस पूरे वीक में आप लोग तलीम से जुड़े हुए मामलों में थोड़ा सा इजाफी तवज्जो ज़रूर रखें और अगर आप लोग कोई हसूल वीज़ा के लिए या बिरून मुल्क हसूल तलीम के लिए कोशा हैं तो तब भी चीज़ों को थोड़ा सा वक्त लग सकता है लेकिन अगले आने वाले हफ़्तों में चीज़ें आपके लिए बेहतर होना शुरू होंगी। करियर कारोबार में खुशबख्तियाँ और इसके साथ साथ अगर आप लोग कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप औलाद को भी शामिल रखते हैं तो तब चीज़ें आप लोगों के लिए औलाद के नसीब से भी खुशबख्त रह पाएंगी। इस पूरे वीक में ओवरऑल अपने मामला ज़िंदगी को मज़ीद और ज़्यादा पॉजिटिव बनाने के लिए रूहानी बरकत के तौर के ऊपर आप लोग जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा मंगल वाले दिन हसब तोफ़ी किसी भी लाल रंग की चीज़ का। लास्ट ज़ोडियक साइन की बात करें तो लास्ट ज़ोडियक साइन है हमारे पास स्पाइसेस बुज़दलव। स्पाइसेस आप लोगों के लिए पूरा वीक अगर हम लोग एनालाइज़ करें तो ये पूरा ही हफ़्ता आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ नित नए आइडियाज़ का हफ़्ता है, हाकमियत पसंदी का हफ़्ता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ बिल्डअप करने का वीक है। आप लोग काफ़ी हद तक मजहब रूहानियत और फलाही कामों में अपनी दिलचस्पी को बहाल और बरकरार रखे हुए नज़र आते हैं और इसके साथ साथ आप लोग के ऐसे मामला ज़िंदगी जो कि मोहब्बत से जुड़े हैं औलाद से जुड़े हैं आप लोगों को काफ़ी हद तक ज़हनी सुकून दिलाएंगे। आप लोगों के ज़ाती सवारी या खानगी माहौल से जुड़े हुए जो प्रॉब्लम्स थे या फैमिली मेम्बर के साथ आपके कम्युनिकेशन गैप था या किसी भी तौर के ऊपर कोई प्रॉब्लम्स या नाराज़गी चल रही थी उसका ख़त्म हो जाना भी आप लोगों के लिए ज़हनी सुकून का बाइस बनेगा। इसके साथ साथ देखा जाता है कि पूरा ही वीक आप लोग के ऐसे मामला थे ज़िंदगी जो कि शराकत की बुनियाद के ऊपर ख़राबी की तरफ जा रहे थे या फिर अज़दवाजी तौर के ऊपर बिलावजह की रंजिशें चल रही थी कोशिश करने से वहाँ पर भी चीज़ें सहल होना शुरू होंगी। ज़ाती करियर कारोबार में कुछ तब्दीली का रुझान रहता हुआ नज़र आता है।
चीज़ों को खुशबख्त बनाने में आप लोग काफ़ी हद तक अमल पैरा होंगे। और इसके साथ साथ ये पूरा ही वीक आप लोगों के लिए हल्का अहबाब से जुड़ी हुई जो ख्वाहिशात हैं या जो वसत है वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक खुशगवारी का समरा दिला सकेगा। तो इस पूरे वीक में ओवरऑल मामलात ज़िंदगी आपके लिए काफ़ी हद तक मजबूत और पॉजिटिव रहते हुए नज़र आएंगे। सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि आप लोगों के ऐसे अमूर ज़िंदगी जो कि तालीम से जुड़े हैं, यहाँ पर जो फैमिली मेम्बर की ख्वाहिशात से जुड़े हैं, उनमें किसी भी तौर के ऊपर सुस्ती आप लोगों के लिए परेशान कुन हो सकती है। इस पूरे हफ्ते में ओवरऑल अपने चीज़ों को मज़ीद और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए रूहानी बरकत के तौर के ऊपर आप लोग जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा मंगल वाले दिन हसब तफी किसी भी लाल रंग की चीज़ का। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस पूरे वीकली प्रोग्राम से आप लोग अपने पूरे हफ्ते को बड़ी खुशखबारी के साथ प्लान आउट करेंगे। मज़ीद किसी भी रहनुमाई के लिए आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर के ऊपर जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, डायरेक्ट कॉल के ज़रिए या व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए, या फिर आप लोग मेरे मखसूस अयाम में मुझे लाहौर, कराची, रावलपिंडी अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।